कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बस थोड़ा सा ही है और बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटे। जैसा आप सबको बुक्स, हमारी तरफ से बुक्स मिल चुकी हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दो बुक्स हम दे चुके हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप दे चुके हैं और एक थ्योरी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बुक दे चुके हैं। बेटे ये थ्योरी कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल का इंडेक्स है आपके सामने जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। मैंने पहले कॉलम में लिखा है चैप्टर नंबर, दूसरे कॉलम में लिखा है पर्टिकुलर्स, फिर पेज नंबर, कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर। इस बुक में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं दिए, वो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बुकलेट भी अलग से प्रिपेयर किए। बट इन नेचर सिग्निफिकेंस एंड ये जो मैंने आपके सामने चैप्टर्स लिखे हैं ये ICSI की स्टडी मटेरियल में भी बिल्कुल इसी प्रायोरिटी में दिए हुए। बस थोड़ा सा कई बार मुझे ऐसा लगा कि एक चैप्टर में कुछ ज्यादा मिक्स कर दिया है तो मैंने उसका 3A, 3B, 7A, 7B, 7C इस तरह से बना दिया, लेकिन नंबरिंग वही है जो आपके स्टडी मटेरियल में। जैसे इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो चैप्टर नंबर 2 दिया कैपिटल बजटिंग का, मुझे लगा कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक अलग से होना चाहिए और कैपिटल बजटिंग अलग से होना चाहिए, तो मैंने 2A, 2B लिख दिया। इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 5 को देखें, इंस्टीट्यूट ने खाली प्रोजेक्ट फाइनेंस लिखा है, अब उसमें दुनिया जहान की चीजें डाल दी तो मुझे लगा कि उसमें एक लीज वर्सेस बाय का टॉपिक अलग होना चाहिए, तो मैंने 5B बना दिया और उसको लीज वर्सेस बाय में अलग से चैप्टर बना दिया, लेकिन चैप्टर 5 ही रखा। मतलब आप उसे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं। जैसे चैप्टर 7 बेटे, इंस्टीट्यूट ने एक ही चैप्टर बनाया 7 वर्किंग कैपिटल, उसी में इन्वेंटरी, उसी में कैश, उसी में डेटर्स, उसी में वर्किंग कैपिटल सब डाल दिया, लेकिन बेटे मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 7 ही रहने दिया। 7A वर्किंग कैपिटल, 7B कैश मैनेजमेंट, 7C इन्वेंटरी मैनेजमेंट, 7D डेटर्स मैनेजमेंट या क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। तो बेटे लास्ट में इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी एनालिसिस को एक अलग से पार्ट लिखा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक लेक्चर लेसन नंबर 9 बनाया। बस मैंने यहां पर क्या किया, क्योंकि लास्ट था तो मैंने 9 और 8 को मिक्स कर दिया और एक ही चैप्टर बना दिया, क्योंकि बेटे आपस में लिंक्ड है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 321 कंसेप्ट में डिवाइड किया, आप देख लें 321 कंसेप्ट में बेटे मैंने डिवाइड कर दिया, 321 कंसेप्ट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको 321 कंसेप्ट में डिवाइड किया दोस्त, 321 पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके लिए है, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज अगर हम बात करें तो बेटे 321 कंसेप्ट मेंशन किए। यकीन मानिए अगर आपने आने वाले लेक्चर्स मेरे ईमानदारी से अटेंड कर लिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट ऐसे हो जाने हैं वो मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको प्रायोरिटी क्या अडॉप्ट करनी है थोड़ा सा हमें वो देखना है कि क्या प्रायोरिटी अडॉप्ट होनी चाहिए। बेटे ये हमारे यूट्यूब के कमेंट आ रहे हैं, 10,000 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, किसी भी ऐसे इंडिया के कोने नहीं है जहां से हमारे को कमेंट ना आया हो, बेटे इतने कमेंट आ चुके हैं। ये देखिए मैं थोड़ा देर मैक्सिमाइज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देख पाए, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर वीडियो के नीचे लोगों ने जो उस वीडियो के लिए कमेंट लिखा है वो मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन मैं आज जो लेक्चर लेने वाला हूँ, जो मैं बताने चाहता हूँ वो अब शुरू हो रही है कहानी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 9 चैप्टर्स दिए, 9 लेसन दिए, लेकिन उसको किस प्रायोरिटी में करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ वी विल फॉलो द प्रायोरिटी और द प्रेफरेंस ऑफ द चैप्टर्स, कि पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। बेटे उससे क्या होगा, आपको रिलेशनशिप ज्यादा समझ आएगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा जो चैप्टर नंबर, जो मेरी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और उससे पहले मैंने एक सिलेबस
समझाने के लिए क्लास ली थी कि भाई ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, तो एक वो क्लास और एक इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया था, ज्यादा नहीं बताया, एक चार्ट प्रिपेयर किया था भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, व्हाट इज लाइफ मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर उसके डिसीजंस डिस्कस की थी, और फिर नो के नो चैप्टर्स मैंने उन्हीं डिसीजंस में लिंक कर दिए थे, और फिर ऑब्जेक्टिव किया था। अभी बहुत सारा काम बाकी है जो हम फर्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ये आइडिया जरूर लग गया था कि हमने कितने चैप्टर्स करने हैं और किस तरह से करने हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप सभी जब चैप्टर्स को ओपन करें तो बेटे इस तरह से ओपन करना है, आपको प्रेफरेंस का मैंने चैप्टर बना दिया, एक टेबल बना दिया है, आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें, और आप ये जरूर एक बार ये प्रेफरेंस वाला टेबल अपने रजिस्टर्स में बना लें कि आपको किस तरह से करना है। बेटे किसी भी चैप्टर में पहले आपको थ्योरी कंसेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स करने हैं, ये लेक्चर्स वही वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, बिल्कुल लास्ट में करने हैं जो मैंने आपको दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलग तरह से करने हैं, बाद में करने हैं, उसकी 5 कैटेगरीज दी हैं, कंसेप्ट्स दिए हैं, वो बिल्कुल लास्ट में करने हैं। पहले बेटे लॉजिक को समझना तो है। देखिए पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए बेटे जो चैप्टर नंबर 7A है, और उसका जैसे हमने नाम अभी भी देखा वर्किंग कैपिटल है, उसमें लगभग 5-6 लेक्चर्स हैं। फिर बेटे हमने प्रेफरेंस टू दी फाइनेंशियल डिसीजंस को, मैंने नाम बदल दिया फाइनेंशियल डिसीजंस, लेकिन ICSI ने इसका नाम रखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटे सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 3 में फाइनेंशियल डिसीजन नाम रखा, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं रखा और सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी नहीं रखा। तो आपको चैप्टर प्रेफरेंस 2 देनी चाहिए चैप्टर 3 को, प्रेफरेंस 3 देनी चाहिए राइट शेयर्स को। बेटे राइट शेयर्स एक ही लेक्चर का टॉपिक है, आपको पता है राइट शेयर्स क्या होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे देखते हैं कि एमपीएस बिफोर राइट कितनी और आफ्टर राइट कितनी है, इसको कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर है। इसी तरह से बायबैक, जब आप बायबैक करते हैं तो बायबैक से पहले क्या प्राइस होता है और बायबैक के बाद में क्या प्राइस होता है, उसको कैलकुलेट किया मैंने इस लेक्चर नंबर में, इस चैप्टर में राइट शेयर्स में। बेटे प्रेफरेंस 4 आपको देनी चाहिए कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग में मैंने 2 पार्ट्स के अंदर भी दिखाया, 2A टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 2B कैपिटल बजटिंग। पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करोगे, पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करोगे, और उसके लेक्चर्स हैं 15। बेटे मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप खुश हो जाओगे लॉजिक्स और कंसेप्ट जब आपके सामने आएंगे। रियल केस स्टडीज टाटा मोटर्स की, किंगफिशर की, सब मैंने मेंशन किए। तो 2B कैपिटल बजटिंग, फिर 2A कर लेना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटे 6वीं प्रेफरेंस देनी चाहिए लीज वर्सेस बाय को, मैं तो कहता हूँ आप 5th प्रेफरेंस लीज वर्सेस बाय को दीजिए और 6th प्रेफरेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दीजिए, बस कोई कारण है आप ऐसा करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। बेटे प्रेफरेंस 7 है, आपको चैप्टर 6 को देनी चाहिए डिविडेंड डिसीजंस, इसके लगभग 7 लेक्चर्स हैं। बेटे थ्योरी कंसेप्ट और प्रैक्टिकल के लेक्चर की लिस्ट लिखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो हर चैप्टर के ऊपर 2-3 लेक्चर्स मैंने लिए हैं, तो वो लास्ट में करने हैं, वो अभी बताने जा रहा हूँ। डिविडेंड डिसीजंस बेटे, फिर प्रेफरेंस 8 देनी चाहिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटे 9 लेक्चर्स हैं और हर चैप्टर को मैंने कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, जैसे अभी बताया था 321 कंसेप्ट। फिर आपको प्रेफरेंस 9 देनी चाहिए इन्वेंट कैश मैनेजमेंट, चैप्टर 7 भी। फिर 10th देनी चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चैप्टर 7C, और 11th प्रेफरेंस देनी चाहिए चैप्टर 7D क्रेडिट पॉलिसी। तो बेटे ये आपका कोर्स है 60 मार्क्स का, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 के बच्चों के लिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। पहले आपको अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बेबी को बेस पसंद है। और बेटा जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने घड़ा बनाया स्टेप नंबर 1 में, ऑल थ्योरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, ऑल थ्योरी कंसेप्ट्स प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, ये सब कर लेने हैं आपने जो लेक्चर्स लिखे। उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने, ठीक है जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। और बेटा थ्योरी को समझकर, कंसेप्ट को समझकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एटलीस्ट क्लास वर्क वाले जो मैंने कराए वो तो कर लेना, तो होमवर्क में दिया भले मत करना। बेटा ये सारा सिलेबस सीएस प्रोफेशनल और सिलेबस में था,
अब उन्होंने एक दो चैप्टर हटा दिए, जैसे फॉरेक्स हटा दिया, डेरिवेटिव हटा दिया, एक दो चैप्टर्स और हटा दिए और डिटो कॉपी पेस्ट मार दी सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज लेवल ग्रुप सेकंड में, तो घबराना नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, स्टेप थ्री होना चाहिए आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्टेप नंबर थ्री होना चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप की बेटे पांच कैटेगरी पहली बार भूपेश आनंद के द्वारा इस पूरी इंडिया के अंदर एक किताब बनी, जिसको हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी उन कंसेप्ट के हिसाब से लिखे। बेटे आज तक आप जिस चोमर की बुक देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज मिलेंगे। बेटे भूपेश आनंद ने हर चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी उसी कंसेप्ट के बेसिस में दिए। तो बेटे पांच कैटेगरीज बनाई है, एक कैटेगरी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, दूसरी ट्रू एंड फॉल्स की, तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स की, फोर्थ है बेटे मैच द फॉलोइंग और फिफ्थ है बेटे केस स्टडी। बेटे पांच से ज्यादा आज तक आए नहीं, मैंने अमेरिका लंदन के सब पेपर देके देख लिए। बस मैं आपसे यही कहूंगा, मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। आप सभी ऑब्जेक्टिव टाइप की पांच कैटेगरीज करेंगे मेरी बुक से, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको फील होगा कि कुछ और करना चाहिए, आपको खुद ही आवाज आ जाएगी बस कर रामलाल बस कर और नहीं। बेटे इतने में ही काम हो जाना है इन्हीं बातों के साथ। बेटे आज का वीडियो खाली मैंने प्रेफरेंस देने के लिए बताया था कि ये प्रेफरेंस देनी है, बाकी आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, पेरेंट के साथ कैसा नेचर होना चाहिए, लाइफ में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ड्रीम्स कैसे होने चाहिए, ड्रीम बुक कैसी होनी चाहिए, लाइफ में आगे कौन से कोर्सेज आप करना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज, ये सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाल दिए और आने वाले लेक्चर्स में आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा भी इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी